वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अब मैं लस्सी बना रही हूँ यहाँ पे। अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बस लस्सी बनाने के बाद अब मैं आलू छील रही हूँ। आलू को मैंने पहले उबाल के रखा हुआ था, आज मैं तरी वाले आलू बनाऊँगी। और थोड़े से ही आलू बनाए क्योंकि सब्जी पड़ी हुई है रात की, कुछ रात में बनाया था वो पड़ा है, इसलिए थोड़े से आलू बना लेंगे और थोड़ी सी वो सब्जी हो जाएगी बस। और ये मैं गुलाब जामुन भी दिखा रही हूँ आपको, गुलाब जामुन मंगवाए थे तो खा लो आप सब भी। और अब टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ। आज मैं लहसुन और प्याज नहीं डालूंगी, बस आज मैं टमाटर से ही तड़का लगाऊंगी सब्जी में और सारे सूखे मसाले डाल दूंगी बस, इसलिए बारीक बारीक टमाटर हाथ से ही काट रही हूँ, मैं ग्रेटर में नहीं कर रही हूँ। और अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद मैंने जीरा, तेज़पत्ता और धनिया डाल दिया। और अब ये टमाटर डाल दूंगी। और अब सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी सी देर के लिए पकाऊँगी, क्योंकि टमाटर फिर कच्चे से रह जाते हैं ना और वो सॉफ्ट भी नहीं होते, और आलू उबले हुए हैं पहले से ही, इसलिए टमाटर को बिल्कुल हमें सॉफ्ट करना है। और कभी कभी ना ऐसी सिंपल सब्जी भी खानी चाहिए। और अब थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी डाल के ना सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में ना कभी सिंपल सी सब्जी भी बनाती हूँ। और अब मैंने आलू को भी डाल दिया, जो मैंने कुछ मतलब ना ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटे मोटे से, अब मैंने मीडियम से ही रखा है इनको करके। और अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चाहो तो आप ऐसे भी खा सकते हो इनको, देखो मसाले इसमें सब कुछ मिक्स हो चुका है, लेकिन आज मुझे थोड़े से तरी वाले बनाने हैं। और अब थोड़े से पानी डाल दूँगी जितनी मुझे तरी बनानी है सब्जी की। और अब देख रही हूँ ये पानी इसमें काफ़ी है या और डालना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी साइड में बचा के रखा हुआ है ना, मैं सोच रही कि सारा ही डाल दो। और अब मैंने जो बाकी का पानी था बस वो भी डाल दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए और गैस को स्लो कर दूँगी ताकि ये पकती रहे और सब्जी देखो कितनी जल्दी से तैयार हो जाएगी हमारी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत ही अच्छी। और अब ये है माटू की पार्टी का सामान। कल भाई का रिजल्ट आया था ना, इसलिए कहता है भाई मुझे तो आप मतलब कल इसने सारा सामान लिखवा दिया आर्यन को, भाई ये लेके आना, वो लेके आना, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये खाना है। और आज इसने सब कुछ बाहर से मंगवाया, चॉकलेट, आइसक्रीम, पैटीज, और ये पैकेट से हैं, और सैंडविच आई, देखो कितनी सारी चीज़ें मंगवा के रखी। कहता है मुझे तो ये सब खाना है, मुझे ये सब खाना है। फिर चलो मंगवा दिया, एक दिन तो बच्चे पे छूट होती भी है, चलो कोई नहीं। मैं कहा फिर आर्यन लेके आ गया इसके लिए। और ये है माटू की फरमाइश। कहता है भाई कितने अच्छे मार्क्स आए हैं और भाई का रिजल्ट आ गया मम्मी, तो मुझे तो ये सारी चीज़ें ही खानी है। और अब देखो बातों बातों में मैं फुलके भी बनाने लगी, क्योंकि सब्जी वगैरह तैयार है। और सब्जी ना मैं आपको दिखानी भूल गई बाद में, फिर मैं सीधा आके फुलके बनाने लगी। बस सब्जी 5 मिनट बाद बन चुकी थी हमारी, और अब फुलके बना रही हूँ। बस मैं फुलके बना दूँगी, लस्सी मैंने पहले ही बना दी थी और पिंकी सबको दे देगी डाल के। और दो में यही होता है देखो, एक खाना बना देती है, दूसरी डाल के सबको दे देती है। जैसे अगर पिंकी बनाती है तो मैं सबको दे देती हूँ डाल के खाना, और अगर मैं बनाऊँगी तो पिंकी सबको खाना दे देगी डाल के। और इतने तो बंदे भी नहीं है हमारे घर में, देखो दो बंदे सारे हैं और एक आर्यन है बस। और माटू को तो उसकी मम्मी खिलाती है खाना, वो तो अभी इतना बड़ा है नहीं ना कि वो खुद से खा लेगा। और आज दोपहर से ही मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, आज मैंने सुबह से नहीं की थी। बस फिर मैंने सोचा कि चलो अब कर ही लेते हैं शुरू, जब मैं खाना बनाने लगी कि नहीं मेरे से रहा नहीं जा रहा, अब मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, इसलिए मैंने अभी से शुरू की थी। और बस सारे फुलके बना रही हूँ मैं।
और फुलके भी देखो हमारे घर में उतने नहीं बनते। और ये रही सिंपल सी प्लेट आप सब के लिए, फुलके, तरी वाले आलू और लस्सी में बूंदी और पुदीना डाल के, और थोड़ा सा अचार भी है और साथ में हरी मिर्च भी है। तो खा लो आप सब, आ जाओ। और आज की यही थी मेरी थाली, सुंदर सी सिंपल सी। पिज़्ज़ा मून, मैं डैड खेत से लाया है, मैं बीमार था, देखो मैं चक मार दिया, और देखो कितने सारे जामुन। हाँ खा लो आप सब भी कितने सारे जामुन, जब आप बीमार होंगे आपके लिए भी डैड जामुन लाएंगे। तो मैंने इतने एक मिनट में देखो कितने खा लिया। और अब ये शाम का टाइम है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पिंकी चाय पानी बना रही है, साथ में मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उस टाइम कभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, कभी मैं चाय बना देती हूँ, कभी प्रेस कर देती हूँ। बस जो मुझे काम दिखता है मैं वो कर लेती हूँ, और जो पिंकी को दिखता है वो कर लेती है। और आपने माटू का मतलब माटू की बातें सुनी ना, क्या बोल रहा है, खा लो आप भी जामुन। उसको ना थोड़ा सा बुखार हो गया था, इसलिए वो सोचता है कि मुझे बुखार हो गया, डैडी इसलिए जामुन लेके आए। तभी आप सबको भी बोल रहा है कि आप भी बीमार होगे ना, डैडी आपके लिए भी जामुन लेके आ जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें करता है ये शैतान, इसलिए मैंने थोड़ी सी आप सबको भी सुनाई कि देखो क्या बोल रहा है, कि मैं बीमार था ना डैडी इसलिए जामुन लेके आए मेरे लिए। उसको ये नहीं पता कि जामुन वैसे ही लेके आए, और आप सबको भी खिला रहा था वो। और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी बस सारी जगह, क्योंकि झाड़ू भी काफ़ी सारी लगती है ना। वैसे एक कूड़ा तो देखो कहीं निकलता नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारा काम है कि हाँ अपने मन में होता है ना जो मैम सा कि हमें झाड़ू भी निकालनी है, इसलिए अब कहाँ किसी के घर में कोई कूड़ा होता है इकट्ठा। वेलकम बैक टू हरियाणा ब्लॉगर रीना, कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और आज आपसे अभी बात हो रही है शाम के टाइम, अभी बस दूध निकालने जाऊंगी, और मैंने सोचा अपनी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं और वीडियो का एंड भी कर लेते हैं, क्योंकि आज ना वीडियो बनाने का बस मन सा नहीं था। फिर भी मैंने दोपहर में सोचा कि नहीं, फिर भी अगर हम कोई काम करते हैं ना, वो काम एक दिन ना करे तो हमारे मन में ऐसे ही लगा रहता है कि नहीं आज हमने कोई काम किया नहीं, हमने कोई काम किया नहीं, और देखो ये भी हमारा काम ही है। फिर मैंने दोपहर से फिर शुरू कर दी वीडियो बनाने की, नहीं मैं बनाऊंगी, ये तो मेरा काम है, ये मुझे करना ही है। तो मैंने दोपहर से शुरू की थी आज वीडियो बनानी। खाना पीना बनाने के बाद खाना खाया, फिर बर्तन वगैरह साफ किए। कुछ ही काम दिखाते हैं, सारे काम तो हम आपको दिखाते भी नहीं, मेन मेन से ही काम दिखाते हैं, क्योंकि घर में देखो इतने काम हो जाते हैं सारा दिन में, अगर हम हर चीज पे कैमरा लगा के बैठे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम मेन मेन से ही काम दिखाते हैं आपको। और बस अभी सारा काम कुम निपट चुका है, शाम का भी चाय वगैरह हमने ले ली, मतलब जिसने चाय लेनी थी उसने चाय ले ली, जिसने और कुछ खाना था उसने वो भी खा लिया। और गर्मी देखो कितनी हो रही है ना, बारिश तो क्या पता कब आएगी, अब की बार तो बारिश ने भी बिल्कुल ये सोच रखा है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही यहाँ पे, वैसे और सारी जगह बारिश हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं, यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, यहाँ वालों को तो पता ही है देखो कितना बुरा हाल हो रखा है बारिश के बिना, लेकिन और कहीं कहीं तो बारिश हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं बारिश नहीं हो रही, हो रही है बारिश सारी जगह, लेकिन इस साइड नहीं हो रही, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। तो बस मुझे आपसे यही छोटी मोटी सी बात करनी थी, और अपनी वीडियो की शुरुआत भी करनी थी, और यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। और आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।